वेलकम टू दी अदर न्यू एंड एक्साइटिंग वीक ऑफ नर्डी न्यूज। और इस वीक भी हमारे पास आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है, जैसे कि फीमेल अवेंजर्स की मूवी, स्पाइडरमैन का नया विलन या फिर अवेंजर्स 4 का टाइटल। तो पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए। तो रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी के लिए बेनेडिक्ट कंबरबैच की फीस बढ़ा दी गई है और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए उन्हें $10 मिलियन मिलेंगे, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में उन्हें लगभग $5 मिलियन मिले थे। अगर रुपीज में बात करें तो इस मूवी के लिए लगभग उन्हें 70 करोड़ मिलेगी। अगली रिपोर्ट है डीसी की एक मूवी को लेकर। तो ग्रेविटी जैसे अवार्ड विनिंग मूवी के डायरेक्टर अल्फोंसो क्यारोन ने वार्नर ब्रदर्स के साथ एक मीटिंग की है और ऐसा माना जा रहा है कि वो किसी डीसी की मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। तो मेरी माने तो ये तो बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि वो top 5 डायरेक्टर्स में से एक हैं। और अगर उन्होंने किसी डीसी की मूवी को डायरेक्ट किया तो ये बात तो श्योर होगी कि वो मूवी अच्छी ही होने वाली है। वैसे आप सब ने ग्रेविटी मूवी देखी है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है एमसीयू के फेज 4 से। ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि फेज 4 की मूवी ब्लैक विडो, जो कि इस कैरेक्टर की सोलो मूवी होने वाली है, उसकी शूटिंग जून 2019 में स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ कुछ और मूवी की शूटिंग उसी बीच शुरू होगी, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 और इटर्नल्स जैसी मूवीज। अब शूटिंग की बात हुई है तो डीसी की फ्लैश की मूवी की भी फिल्मिंग 2019 की शुरुआत में स्टार्ट कर दी जाएगी। साथ ही ये भी पता चला है कि मूवी की शूटिंग एटलांटा में होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली 2020 के मिड तक हम इस मूवी को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। अगला एक क्लिप है इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड, जिसमें मूवी के स्पेशल इफेक्ट और VFX का ब्रेकडाउन किया गया है। आप सब खुद देख लो। पूरी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रूमर्स के अकॉर्डिंग डीसी ने टॉम क्रूज से कांटेक्ट किया है ग्रीन लैंटर्न में लीड रोल करने के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स टॉम ने स्क्रिप्ट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि स्क्रिप्ट की एंडिंग में लीड कैरेक्टर की डेथ हो जाती है और टॉम ने ये बोला है कि वो मूवी तभी करेंगे जब स्क्रिप्ट चेंज की जाएगी। इसी के साथ इस रोल के लिए दूसरी चॉइस मार्क वाल्बर्ग है। तो आप सब नीचे कमेंट करके बताओ कि आप दोनों में से किस एक्टर को ग्रीन लैंटर्न के रोल में देखना चाहोगे। अगली एक इंटरेस्टिंग क्लिप है इन्फिनिटी वॉर से थैनोस की। ये क्लिप एक टेस्ट फुटेज है जो कि मूवी के प्रोड्यूसर्स को दिखाया गया था कि आखिर मूवी में थैनोस दिखेगा कैसा। आप सब खुद देखो। वैसे पूरी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट एक सैड न्यूज है। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट नडी न्यूज में बताया था कि मार्वल स्टूडियोज डिज्नी पे फोर्स डाल रही है कि वो जेम्स गन को रिहायर कर लें, लेकिन अब डिज्नी ने कंफर्म कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पे जेम्स को रिहायर नहीं करने वाले। और उसके ऊपर से अफसोस ये है कि मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने भी डिज्नी के इस डिसीजन का सपोर्ट किया है। इसी पे रिस्पांस करते हुए डेव बैटिस्टा ने भी डिज्नी पे सार्कज्म देते हुए ट्वीट कर दिया और उन्होंने लिखा, थैंक्स डिज्नी फॉर मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इस पर आप सबकी क्या राय है? मेरे हिसाब से तो ये डिज्नी का अब तक का सबसे बुरा डिसीजन है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के विलन से रिलेटेड। तो टॉम हॉलैंड ने अपने इंस्टा पे ये वीडियो अपलोड की। And for the record, I do all my own stunts. All of my own stunts. I never have a stunt double. It's always me. Tom Cruise does a similar thing. I'm the same. I always Three, do my own stunts. 3, 2, 1, go! Greg? इसमें हम साफ साफ उनके स्टंट डबल को पानी से फेंकाते हुए देख सकते हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो गया है कि मूवी में हाइड्रो एज अ विलन दिखेगा। इससे पहले भी कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट लीक होने से ये बात कंफर्म हुई थी। रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं कि मूवी में एक से ज्यादा विलन दिखने वाले हैं और इसी के साथ एक और विलन भी कंफर्म हो चुका है, जो कि होगा मिस्टीरियो और इसका रोल करने वाले हैं जेक गिलेनहॉल। एंड इस मूवी के कास्ट लिस्ट में एक और नया नाम भी ऐड हुआ है और वो है रेमी हाई, लेकिन ये क्या रोल करेंगे ये अभी तक रिवील नहीं किया गया। अगली एक इंटरेस्टिंग अपडेट है पीटन रीड की तरफ से, जिन्होंने एंटमैन की सारी मूवीज डायरेक्ट की हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने ये बोला कि मार्वल के फ्यूचर में फीमेल सुपर हीरोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और इसी के साथ बातों बातों में इन्होंने ये कह दिया कि वो चाहते हैं कि फ्यूचर में फीमेल अवेंजर्स की मूवी में वास्प उस नई टीम को लीड करे। अब इसका एक ही मतलब है कि शायद मार्वल स्टूडियोज फ्यूचर में फीमेल अवेंजर्स को लेकर भी एक मूवी कंसीडर कर रही है। आप सब नीचे कमेंट करके बताओ कि आप किस फीमेल सुपर हीरो को ये टीम लीड करते देखना चाहोगे, कैप्टन मार्वल या फिर वास्प। एंड सबसे फाइनल अपडेट है अवेंजर्स 4 की टाइटल से। तो इस मूवी के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने अपने इंस्टा पे इस मूवी के टाइटल को टीज किया। उन्होंने ये फोटो अपलोड की और 5 मिनट के बाद ही डिलीट कर दिया। इस फोटो में लिखा था इन्फिनिटी मिरर रूम और आफ्टर मैथ ऑफ ऑब्लिट्रेशन ऑफ इटर्निटी। हालांकि इसका क्या मतलब हो सकता है ये किसी को नहीं पता, बट अगर आप ये गूगल करते हैं तो आपको ये वीडियो मिलती है।
जिसे कि योयोई कुसुमा नाम की एक आर्टिस्ट ने बनाया है। तो आप सबको क्या लगता है, इसका क्या मतलब हो सकता है, नीचे मेरे साथ शेयर जरूर करना। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीक की नडी न्यूज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर करो। साथ ही ऐसी डेली न्यूज के लिए मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और वीकली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। टोनी स्टार्क और शूरी में से स्मार्टेस्ट कौन है ये जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और सेलेस्टियल्स की ओरिजिन जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।